हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल सर्कल्स कोर्स में हम लोग मैथमेटिकल सर्कल्स बुक के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं और इसका चैप्टर जीरो मैंने आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए दिया था और ये 25 सिंपल प्रॉब्लम्स राइट इसमें दिए गए हैं जो सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस कॉमन सेंस और सिंपलेस्ट कैलकुलेशंस यूज़ करने थे। तो ये जैसे कि हम लोग एक रिक्रिएशनल एक मज़ा आने के लिए और ब्रेन को चैलेंज देने के लिए आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देख सकते थे और जैसा मैंने बताया था, आई होप आप लोगों ने उस तरीके से कोशिश की है। अब हम इस पर्टिकुलर सेट में से कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जहां तक आपको याद होगा, हमने पहले वीडियो में कुछ 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे फ्रॉम दिस चैप्टर, जो कि मैंने डायरेक्टली आपको बताया था कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू प्रॉब्लम्स। जैसे कि हम लोग प्रॉब्लम 1 की बात करते हैं। सो अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन अ ग्लास, अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन अ ग्लास, 1 second later, ईच बैक्टीरियम डिवाइड्स इन टू, द नेक्स्ट सेकंड ईच ऑफ द रिजल्टिंग बैक्टीरिया डिवाइड्स इन टू अगेन, एटसेट्रा। सो आफ्टर 1 minute द ग्लास इज फुल, व्हेन वॉज द ग्लास हाफ फुल। तो ये ग्लास हाफ फुल कब था? जनरली इस क्वेश्चन को समझना है तो पहले एक पार्ट समझ लीजिए कि किसी ग्लास में सपोज आपने कुछ बैक्टीरियाज रख दिए हैं, ओके, कुछ बैक्टीरिया है लेकिन वो हर सेकंड डबल हो रहे हैं। मतलब अगर आपके पास इनिशियली सपोज 3 बैक्टीरिया थे तो नेक्स्ट सेकंड में उसमें से हर कोई डबल हो गया, हर कोई 2 में डिवाइड हो गया और आपके पास अब कितने बैक्टीरिया हो गए, 6। उसके नेक्स्ट सेकंड में कितने हो जाएंगे, 12। सो इस तरीके से हर एक सेकंड बाद वो डबल होते जा रहा है। और क्या डेटा है एडिशनल आपके पास? एडिशनल डेटा ये है कि आफ्टर 1 minute द ग्लास इज फुल, 1 minute में ग्लास फुल हो गया था। 1 minute मतलब कितना सेकंड, 60 seconds। सो 60 seconds में ग्लास फुल हो गया था तो उसको हाफ भरने के लिए कितना टाइम लगा होगा? जनरली बहुत सारे लोग आंसर देते हैं 30 seconds। लेट मी टेल यू, दिस इज रॉन्ग। यहां पर लीनियर यानी बहुत सारे लोग बताते हैं एंड ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको ये आंसर नहीं आया तो बहुत बुरा हो गया, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि काफी टैलेंटेड लोग भी इसका आंसर गलत दे बैठते हैं, क्योंकि ये इंट्यूटिव आंसर है 30 seconds आएगा करके। थोड़ा सा सोचिए कि क्या ये लीनियर ग्रोथ है? नहीं, डबल डबल होते जा रहा है। तो उसको थोड़ा सा उल्टे डायरेक्शन में सोच के देखिए, अगर हर एक सेकंड के बाद डबल होते जा रहा है तो हर एक सेकंड हम पहले जाए तो क्या होते जाएगा, हाफ, राइट? क्योंकि जैसे 1 second बाद 3 से 6 हो गए तो 1 second पहले, 6 से पहले कितना होंगे, 3। तो इस तरीके से हम लोग अगर चलते जाएंगे तो आप एक बार बैकवर्ड ये वाला सोच लीजिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। द आंसर इज यस 59 seconds, द आंसर इज 59 seconds फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम 1। व्हाई इज इट सो? देखिए 60 seconds में पूरा भर गया था, 1 second पहले क्या होगा, उसका हाफ, तभी तो 1 second में वो पूरा फुल हो गया, राइट? तो आधा भरने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 60 seconds से 1 second कम, विच इज 59 seconds। आई होप आपका आंसर ऐसे ही आया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम 2। आई होप आपको ये प्रॉब्लम 2 दिख रहा है। अब प्रॉब्लम 2 क्या बोला गया है, एन, जॉन एंड एलेक्स, ये 3 लोग बस टूर लिया डिज्नीलैंड का, ओके, वो छोड़ दीजिए कहां पे गए, लेकिन 3 लोग हैं, नाम ऐसे ही ध्यान रख लेते हैं, एन, जॉन एंड एलेक्स। ईच ऑफ देम मस्ट पे 5 प्लास्टिक चिप्स फॉर द राइड, यानी उनको हर किसी को जो टिकट देना है वो है 5 chips, लेकिन उनमें से किसी के पास भी चिप्स सेपरेट नहीं है, उनको उनके पास बड़े कॉइन्स है जिनकी वैल्यूज है 10 chips या फिर 15 chips या फिर 20 chips। सिंपली समझने के लिए देखिए कि जैसे 5 rupees का टिकट है लेकिन उनके पास 10 rupees का, 15 rupees का और 20 rupees के नोट है, तो 5 rupees हर किसी का कैसे पे किया जा सकता है? दिस वॉज द क्वेश्चन। आंसर वैसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ा ही कॉमन सेंस वाला आंसर है। क्या करेंगे, करेंगे उनमें से कोई भी एक पर्सन बाकी तीनों का मिलाकर 15 वाला कॉइन दे देगा। जैसे समझ लीजिए कि एलेक्स
ने 15 वाला कॉइन दे दिया, किसे, सपोज बस कंडक्टर को दे दिया, तो अब मुझे बताइए एलेक्स ने जो 15 दिए उसमें से खुद के कितने हैं, 5, बाकी के 10 उसने बाकी दो लोगों के लिए दिए हैं जो उसको वापस लेने हैं। तो एलेक्स को अब जॉन से 5 रुपए वापस लेने हैं और एलेक्स को एन से भी 5 रुपए वापस लेने हैं। अब सोचिए जॉन से एलेक्स 5 रुपए कैसे वापस ले सकता है, क्योंकि उनके पास 5 रुपए के कॉइन किसी के पास भी नहीं है, लेकिन 10, 15 और 20 रुपए के कॉइन जितने चाहे उतने हैं। तो क्या किया जा सकता है, सिंपल है, जॉन से एलेक्स 15 का कॉइन लेगा और 10 का कॉइन वापस देगा, या फिर 20 का कॉइन लेगा और 15 का कॉइन वापस देगा, एंड सेम विल बी डन विथ एन, एंड इन दिस वे दे कैन पे फॉर ईच ऑफ देम, राइट, हर किसी का इंडिविजुअल वो लोग पे कर देंगे। नाउ आगे के प्रॉब्लम्स अगर आप देखते हो तो प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4 एंड प्रॉब्लम नंबर 5, ये तीनों प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो प्रॉब्लम 3 एक बार देख लीजिएगा, प्रॉब्लम 4 और प्रॉब्लम 5 भी, ये हमारा फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें ही कवर हो चुके हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम नंबर 6। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 6, इन अ सर्टन ईयर देयर वेयर एग्जैक्टली 4 फ्राइडेज एंड एग्जैक्टली 4 मंडेज इन जनवरी, ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक डिड 20th ऑफ द जनवरी फॉल, 20th जनवरी कौन से दिन आया। सो इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली सिंपल भी है काफी। पहले तो हमें यह समझना होगा कि कोई भी मंथ 7 तरीके से शुरू हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय 7 वेज से शुरू हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूं कि एक तारीख या तो संडे को आ सकती है, या तो मंडे को, या तो ट्यूसडे को, ऐसे कितने चॉइसेस हैं आपके पास। ऑब्वियसली ये चॉइसेस हमारे पास है 7, राइट, तो उसमें से कोई एक चॉइस हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, नाउ अगर हम लोग कैलेंडर, जैसे मैं बता रहा था कि ये कैलेंडर अगर हमारा ओके संडे को शुरू होता है, तो डेट 1 अगर संडे को आती है तो आप काउंट कर सकते हैं 7 सैटरडे को आएगा, फिर 8, राइट, 8 से शुरू होगा संडे अगेन, देन 14 फिर से सैटरडे आएगा, 15 से शुरू होगा, 21 सैटरडे आएगा, फिर 22 से शुरू होगा, 28 सैटरडे आएगा, और ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करके यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे कि आगे क्या होगा। तो आगे 23 यानी 29, 30, 31, तीन एक्स्ट्रा डेज बचे हैं, क्योंकि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर संडे को शुरू होता है जन, तो संडे, मंडे एंड ट्यूसडे ये 5 आएंगे, लेकिन बाकी के जो दिन हैं वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 4-4 बार ही आएंगे। ये थोड़ा सा कैलेंडर देख के आप समझने की कोशिश कीजिए, व्हाट हैपन्स व्हेन द डे मंथ स्टार्ट्स ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो अगर महीना संडे को शुरू होता है तो उस मंथ में संडेज कितने आएंगे, 5, मंडेज 5 एंड ट्यूसडे 5। सो लगातार के 3 दिन, संडे को शुरू हुआ तो संडे, मंडे, ट्यूसडे 5 आएंगे, मंडे को शुरू हुआ तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 5 आएंगे, राइट। तो ऐसे अगर हम 5 डेज का एक लॉजिक लगा ले तो क्या होगा। ये लॉजिक आप ठीक से समझ के पूरे मेरे ख्याल से अगर 7 कैलेंडर बना लेते हैं तो आपको डायरेक्टली आंसर समझ में आएगा, लेकिन उतना लिखना चाहिए क्या, ये क्वेश्चन ही है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सोचेंगे कि क्या बोला गया है, एग्जैक्टली 4 मंडेज एंड एग्जैक्टली 4 फ्राइडेज, तो आपको फ्राइडेज भी 4 चाहिए और मंडेज भी 4 चाहिए। तो संडे को शुरू हुआ तो 5 मंडे आ रहे हैं, मंडे को शुरू हुआ तो भी 5 मंडे आएंगे, लेकिन ट्यूसडे को शुरू हुआ तो 5 ट्यूसडे, 5 वेंसडे और 5 थर्सडे आएंगे, लेकिन फ्राइडे 4 ही आएंगे, राइट। सो इट शुड स्टार्ट ऑन ट्यूसडे, सो मंथ शुड स्टार्ट
ओके, ये लॉजिक आपको ध्यान में आया? अब बाकी भी दिन ट्राई कर सकते हो। अगर ट्यूसडे के जगह पर वेंसडे शुरू हुआ तो वेंसडे 5 आएंगे, थर्सडे 5 आएंगे और फ्राइडे 5 आएंगे, लेकिन हमें फ्राइडे 4 ही चाहिए। अब वैसे ही आप देखिए, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल सैटरडे को शुरू कर सकते हैं, तो सैटरडे को शुरू करते हैं मंथ, तो सैटरडे 5 आएंगे, संडे आएंगे और मंडे भी 5 आएंगे, लेकिन हमें मंडे 4 ही चाहिए। सो द ओनली पॉसिबिलिटी दैट रिमेन्स इज कि ट्यूसडे को शुरू होना चाहिए। अब अगर ट्यूसडे को शुरू होता है मंथ, तो कहां पर आएगा 20th डे, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा गया है कि कौन से डे पर फर्स्ट डे है या कौन से डे पर शुरू हो रहा है, हमें पूछा गया है कि 20th कौन से डेट पर आएगा। तो अब सिंपली आपको कैलेंडर समझने की कोशिश करना है। ऑब्वियसली जिसको मैथमेटिक्स का काफ़ी प्रैक्टिस है वो डायरेक्टली ये आंसर बता सकता है, लेकिन मैं ये जनरल लोग यानी जनरल कोई भी है उसके लिए बता रहा हूँ। तो आई विल जस्ट राइट डाउन, ट्यूसडे को शुरू हुआ 1 तारीख, राइट, सो फिर 7 दिन मिलाकर यहाँ पर 8 तारीख आएगी, राइट, फिर 7 दिन मिलाकर यहाँ पर कितना आएगा, आप पूरा भी लिख सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट, एंड देन यहाँ पर 15, यहाँ पर 22, करेक्ट। सो अगर हम कंप्लीट करें 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, तो 20 कहाँ पर आ रहा है, संडे। तो प्रॉब्लम नंबर 6 का आंसर है संडे। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन गो ऑन सॉल्विंग दिस रिक्रिएशनल प्रॉब्लम्स। आई होप आई हैव अगेन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स इन अ वे जिससे शायद आपका इंटरेस्ट और जाग गया हो बाकी के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ट्राई कीजिए और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स में से और कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग अगले वीडियो में ट्राई करेंगे।